सर क्या हुआ? आज क्रिसमस करने वाले से क्यों लग रहे हो? सर दिसंबर चल रहा है और क्रिसमस है 25th को और क्रिसमस कार्निवल आने वाला है, आपको यही नहीं पता? अरे यार पता ही नहीं रहता, हम तो ऑफिस में रहते हैं ना। अच्छा छोड़ो, इंदौर क्रिसमस कार्निवल आने वाला है, दिसंबर का टाइम है, 25th एग्जैक्ट डेट होती है जहाँ पर खुशियों की बहार आती है, पूरा टाइम पूरा दिसंबर ठंडियों के मौसम में भी आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, कितना सॉलिड होता है ना क्रिसमस कार्निवल, इसीलिए आ रहा है। और 25th को होने वाला ग्रैंड ओमनी में उनके ऑर्गेनाइजर्स से मैं आज बात करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं इसलिए बात करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ना पासेस चाहिए, बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बुला लेती हूँ मैं निधि और निकिता अग्रवाल को जो ऑर्गेनाइज कर रही हैं। हेलो मैम, आ जाइए, एक इस साइड आ जाइए, एक इस साइड आ जाइए। तो ये दोनों हैं जो ऑर्गेनाइजर हैं, निधि एंड निकिता अग्रवाल। हेलो मैम, क्रिसमस एक ऐसा टाइम होता है जो इतने से बच्चे से लेकर इतने बड़े लोगों तक का सबका फेवरेट होता है। सांता क्लॉस नहीं होता है पर फिर भी हम मानते हैं सांता क्लॉस है। आप इस बार हमारी सांता क्लॉस बन रही हैं, ऑर्गेनाइजर हैं आप, तो ये क्रिसमस कार्निवल एक्चुअल में है क्या? क्रिसमस कार्निवल एक बड़ा कार्निवल है जिसमें छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए सबके लिए एक्टिविटीज़ इसमें हैं। ये हम लोग 2014 से कर रहे हैं बिकॉज उस टाइम पर बच्चों के लिए कोई भी जगह घूमने के लिए नहीं होती थी, तो यहाँ पर यूज प्ले जोन है, टॉडलर्स के लिए टॉडलर जोन है, बड़ों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जैसे तंबोला है, तो यहाँ पर कोई एज बैरियर नहीं है, यहाँ पर पूरी पूरी फैमिलीज आती है, एंजॉय करती है सुबह से लेकर रात तक। तो पूरा फैमिली इवेंट ये होने वाला है? हाँ, ये पूरा फैमिली इवेंट है, हर कोई आ सकता है। खाने में भी इतने अच्छे व्यंजन वहाँ पे मिलेंगे कि आपको घर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे खाने में क्या क्या है, आप क्या पसंद करोगे? नहीं, सब कुछ है वहाँ पे, पनीर प्लाटर्स है, गराड़ू है, जलेबी है, भेल है, सब कुछ मिलेगा। इंदौरियों का काम हो गया बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैम एक थीम लेके चलता है कोई इंसान जब भी कोई काम होता है, एंड बीइंग एन ऑर्गेनाइजर आपका एक प्रोस्पेक्टिव हुआ होगा, वो प्रोस्पेक्टिव क्या है, वो विजन क्या है आपका? हम लोगों का विजन ये है कि हम लोग जितने भी बच्चे हैं एक तो उनको प्लेटफॉर्म दें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए, साथ ही साथ हर चीज़ दें जो वो उस दिन को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकें। तो उसके लिए हम लोगों ने, जैसे अगर सीक्रेट सांता है तो सीक्रेट सांता में हम लोगों ने ये करा है कि जो बच्चा डिमांड कर रहा है अपनी मम्मी से काफ़ी टाइम से, सांता वहाँ पर आएगा और उसका नाम लेकर उसको वही चीज़ देगा, तो दैट विल बी अ बिग सरप्राइज फॉर किड्स। ओके, मैं भी हूँ, मेरा नाम प्रिंसी है और मुझे भी कुछ चाहिए। डेफिनेटली सो बुक सीक्रेट सांता विद अस। ओके, तो इंदौर सीक्रेट सांता आपको बुक करना है, मैम अभी बताएंगी कि कैसे करना है। डेफिनेटली, एंड सीक्रेट सांता के अलावा हम लोगों की बहुत सारी अलग एक्टिविटीज़ भी है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए प्ले जोन है, बच्चों के लिए गेम एक्टिविटी स्टॉल्स है, देयर विल बी मोर देन 60+ स्टॉल्स जहाँ पर बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ खेल सकते हैं। उसके अलावा प्ले जोन है और जो आर्टिस्ट हैं हम लोगों ने इस बार जयपुर से आर्टिस्ट बुलाए हैं, सो दैट विल बी अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीवन। तंबोला का हम लोगों का प्राइस है जो वर्थ 22,000 फुल हाउस का है और ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैश प्राइजेस भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मैम एक क्वेश्चन है, जो ये इवेंट होने वाला है, ये ग्रैंड इवेंट होने वाला है, ग्रैंड ओमनी में होने वाला है, इसमें और क्या क्या होगा इसके अलावा जो मैम ने बताया, और क्या क्या फीचर्स हैं इस इवेंट के? और 2014 से चला आ रहा है तो ये एक लेगेसी हो गई, अब आगे भी ये चलता ही रहेगा, बंद तो कभी होने नहीं वाला क्योंकि एक लेगेसी बन चुकी है। इस बार इस इवेंट को ग्रैंड बनाने के लिए हमारे साथ कैंगरू किड्स और बिलाबोंग स्कूल के वैशाली शिवारे हैं, हमारी फ्रेंड है काफ़ी क्लोज, वो जुड़ी हैं, जिनके सहयोग से, जिनकी वो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, जिनकी वजह से हम लोगों ने इस इवेंट को और ग्रैंड बनाने की कोशिश की है। इंदौर मैजेस्टिक राउंड टेबल 297 के विकास बियानी जी हमारे साथ जुड़े हैं जिसके थ्रू हम थोड़ा चैरिटी कर रहे हैं, वो लोग अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं, तो इस इवेंट का जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे हम लोग उन बच्चों के लिए स्कूल्स बनाएंगे जो बच्चे नहीं जा पाते हैं स्कूल। अब मेरे साथ हैं कार्निवल स्पॉन्सर वैशाली शिवहरे मैम, जो कि मुझे बताएंगे कि आखिर उनका इंटरेस्ट इस कार्निवल को स्पॉन्सर करने में, इस कार्निवल को ऑर्गेनाइज करने में क्यों आया। हेलो मैम, कैसी हैं आप? बस एकदम बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ये कार्निवल, क्योंकि कितना भी बड़ा हो जाए कोई भी इंसान वो क्रिसमस का एक्साइटमेंट कभी नहीं जाता। एग्जैक्टली मैम, यार बेसिकली द स्पॉन्सर ऑफ होल कार्निवल, आप पूरा कार्निवल ऑर्गेनाइज करा रही हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें, बट बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है मोटो, क्या मोटो लेकर चले हैं। कहीं भी हम पैसा लगाते हैं तो उसका एक अच्छा रिवर्टल आना चाहिए, तो वो मोटो आपका क्या रहा है? एग्जैक्टली, एक्चुअली मैं एजुकेशनिस्ट के साथ साथ टेबलर भी हूँ तो हमारे लिए मेन वो है कि अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए जो स्कूल बन रहा है उसके लिए हमारा फंड रेज हो, तो इसके लिए तो आना ही था। विकास भैया के साथ ऐसा है कि कुछ ना कुछ वो न्यू करते ही हैं,
तो जैसे ये कार्निवल का थॉट आया तो वी थॉट कि नहीं ये साथ में ही करते हैं, अदरवाइज जैसे मेरे स्कूल के साइड से मैंने स्पॉन्सर किया बिकॉज निकिता और निधि दोनों वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। एक मैसेज कोई इंदौर की जनता के लिए क्रिसमस कार्निवल में आने के लिए एंड आपकी जो स्पॉन्सरशिप है जो स्कूल से वो प्लीज़ बताइए। हाँ, मेरा स्कूल है कैंगरू किड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल एंड बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल। सो वी हैव 4 ब्रांचेस, वन इज़ एट पल्सिकर, वन इज़ एट पिपलियाना, वन इज़ एट विजयनगर, विजयनगर वी हैव रिसेंटली ओपन, एंड वन इज़ एट सावेर रोड। सो दे आर 4 कॉर्नर्स ऑफ दिस इंदौर। सो येस, डू कम, एंड कार्निवल तो है ही बेस्ट, उसको आइए। एक चैरिटी के लिए भी है, एक कॉज के लिए भी है, हम हेल्प कर रहे हैं एक अंडर प्रिविलेज बच्चों को स्कूल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप दिस इवेंट गेट्स टू मच सक्सेसफुल, जैसे नेक्स्ट ईयर भी हम और अच्छे इवेंट्स देख पाए। बिल्कुल बिल्कुल, टच वुड, ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। पता है इंदौर के लोगों की बात क्या अच्छी होती है कि कुछ भी करें, अच्छा हो या फिर कोई इवेंट हो, कोई पार्टी हो, उसमें ना वो ऐसे कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे अंडर प्रिविलेज लोग हेल्प हो सके, जैसे कि आपने विकास बयानी जी का बताया वो भी कर रहे हैं। मैम, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, जो आपके फ्लायर्स हैं उनमें कॉज का वर्ड यूज़ किया गया है, वो क्यों किया गया है? ये वही कॉज है जो इंदौर मैजिस्टिक राउंड टेबल 297 अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए इस रेवेन्यू से स्कूल बनाएंगे एंड उन बच्चों को उसी माध्यम से शिक्षा मिलेगी। ओके, तो दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट क्रिसमस कार्निवल, और मैं आने वाली हूँ, मेरा सीक्रेट सेंटर तैयार रखना और मेरे पासेस भी। हाँ, एक चीज़ और, एक मैसेज पहले आप लोगों को दे दें। 25 दिसंबर ग्रैंड ओमनी, प्लीज़ आप लोग ज़रूर आएँ, वहाँ आपको कोई ट्रैफिक का दिक्कत नहीं होगा, वेरी इजीली रीचेबल, प्लीज़ डू कम, वी ऑल विल वेट फॉर यू एंड सांता विल ऑल्सो वेट फॉर योर किड्स। एंड हाँ मैम, पासेस का आप बता दें। पासेज आप लोग ऑन द स्पॉट भी ले सकते हैं एंड आपको अगर कलेक्ट करना है तो आप वानियास डांस प्लैनेट से भी फ्री अपनी बुकिंग करा सकते हैं। चलिए इंदौर मेरा काम हो गया है, मैं पासेस लेने जा रही हूँ। आपके लिए भी मैम ने बता दिया कि आप कहाँ से पासेस ले सकते हैं, तो प्लीज़ जाइए और ग्रैंड ओमनी में क्रिसमस कार्निवल को एंजॉय करिए और प्लीज़ हेल्प करिए, क्योंकि इंदौर तो इनिशिएटिव में आ गया। दिस इज प्रिंसी चैन साइनिंग आउट।